लिटरली मैं आज 24 दिसंबर की रात है इतनी ठंड है और मुझे ठंड नहीं लग रही देखो इन पे वो को अभी जस्ट बारह बजने ही वाले हैं और हमारे भाई सेंटा क्लॉस आते होंगे देखिए पूरे लॉस सेंटोस का सबसे स्पेशल क्रिसमस मेरे पास है गाइस वैसे आप सभी को मैरी क्रिसमस आप सभी की फैमिली एंड दोस्तों को मैरी क्रिसमस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब पच्चीस तारीख होने जा रही है और हम क्रिसमस एंजॉय करेंगे मुझे सबसे ज्यादा मजा सेंटा क्लास

वो क्या है ऊपर हो, हो 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 हम आ चुके हैं अरे

छोटा हो हो हो, बच्चा हो या बड़ा बच्चा हम सबको गिफ्ट देने आएंगे हो 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 हो, जिसके घर पे सबसे सबसे स्पेशल और बढ़िया खूबसूरत क्रिसमस ट्री लगेगा सेंटा क्लोज जी हेलो अरे नहीं वैसे ऐसे बोलना चिल्लाना ठीक नहीं रहेगा शायद वो ये सोचे उन्हें देख लिया गाइज आप सभी तो जानते हैं सेंटा क्लोज सरप्राइज देना पसंद करता है हो 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 लगता है बच्चा लोग सो गया हम जल्दी से बच्चा लोग का गिफ्ट उनको दे देते हैं हो 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 गाइस एक मिनट ये सेंटा क्लॉस जी मेरे पड़ोसी घर पे क्यों लैंड हो गए इस वाले घर का सबसे बढ़िया क्रिसमस ट्री लगता है हमें हो 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 हो, हो। हम जल्दी से ये गिफ्ट इस घर के मासूम बच्चे को दे देता है हो 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 भाई साहब ये क्या सेंटा क्लोज जी इतने सारे गिफ्ट्स मेरे पड़ोसी के घर वाले बच्चे को क्यों देने जा रहे हैं भाई यहाँ पे सिंचे सिंचा मिन्द कब से इंतजार में सेंटा के सो गए सेंटा क्लोज जी वो रे रे गाइस वो ओ भाई साहब देखिए यार ये क्या गाइस शायद ना हो सकता है वो पहले मेरे पड़ोसी के घर को देंगे ठीक है और उसके बाद मेरे घर पे लाएंगे बढ़िया बड़े गिफ्ट हो 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 हो, हो। कितना बढ़िया क्रिसमस ट्री है मैरी क्रिसमस बच्चो मैरी क्रिसमस हो 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 गाइस अब देखिए अब तो पक्का मेरे घर का नंबर आप लोग जल्दी वीडियो लाइक कर दो कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया देखिए 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 वैसे गाइज मैंने तो बहुत कुछ विश कर रखा है देखते हैं सेंटा क्लॉज जी कैसे मेरी विशेष को पूरा करेंगे मजा ही आ जाएगा हो 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 यहाँ का तो सारा काम हो गया चलो अब बाकी बच्चों लोग गिफ्ट देने चलते हैं है?

ये क्या हो गया ऑप्शन चौबी चौको क्या बोलूंगा मैं कि मैंने सेंटा क्लॉस को देखा और वो हमारे घर पर आए भी नहीं अब डिनर तो छोड़ो भाई <laughs> गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे उनका ये क्या हो गया कम से कम एक बार हमारे घर का वो क्रिसमस ट्री देख तो लेते कितना अच्छा लग रहा था ना गाइस आपको भी अच्छा लग रहा था ना तो कमेंट में जल्दी लिखिए देख मैं जाके देखता हूँ यहाँ पर सेंटा क्लॉज को पसंद क्यों नहीं आया उन्हें कैसे पता नहीं चला कि मेरे घर में भी सेंटा क्लॉज है मैंने तो सेंटा क्लॉज वाली टोपी भी पहन रखी है बाई भागता क्यों रो रहा है भाई अरे चौप बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट दे गए भाई इवन हमारे पड़ोसी को भी और हमारा घर तो ऐसे ही स्किप करके चले गए बाब भाई तू नींद मैं कलवा ऐसा नहीं हो सकता सेंटा सेंटा क्लॉस किसी को नहीं दिखते नहीं मुझे दिखे थे सेंटा क्लॉस सिंचन पिंचन उठो जल्दी से अरे एक मिनट सिंचन पिंचन अबे हमारा क्रिसमस ट्री कहां पर गया ये 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 इन तो तो लास्ट टाइम जब मैं घर पर था और यहां पर सेंटा क्लॉस जी को देख रहा था का इज हमारा क्रिसमस ट्री ओह माय गॉड ओ भाई साहब यहीं कहीं हवा से उड़ के इधर उधर तो नहीं पहुंच गया बट गाइज वो कोई पत्ता थोड़ी था

कैसे मनाएंगे हां सेंटा क्लोज जी कैसे हमें के गिफ्ट देंगे भाई साहब ओ माई गॉड ये क्या इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है पूरे सीनों गिर रही है कायज कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है यार पूरा का पूरा क्रिसमस मनाने का मौसम है और यहाँ पर ना मेरे घर पर पे पेड़ है और ना ही क्लॉज जी के गिफ्ट कुछ भी नहीं है भाई बस मेरे पास क्रिसमस के नाम पर टोपी है और वो भी लिटरली में मुझे लग रहा है कहीं चोरी वोरी ना हो जाए नहीं काइस मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ एक मिनट मैं तो ये पड़ोसी घर पर आ गया भाई यहाँ पर काइस मुझे वैसे ठंड लग रही है मैं जल्दी जाता हूँ और जाकर भाई सिंचे चौप को उठाता हूँ उनको बताता हूँ जल्दी से हमें यहाँ पर चौप बा

पता वहां पर किसी बच्चे ने शरारत करते करते पेड़ को ले गया हो से मुझे तो यही लग रहा है आसपास का पड़ोसी का कोई बच्चा ही हमारे पेड़ को चुरा ले गया है गाइस जिसने भी हमारे पेड़ को चुराया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जल्दी से कार में बैठता हूँ okay, सबसे पहले तो ऑल राइट गायस आप भी मेरे को बेटर फील हो रहा है हाँ तो मैं बोल रहा था मुझे जल्दी से हमारा क्रिसमस ट्री ढूंढ निकालना पड़ेगा गायस देखिए मैं तो यहाँ पर पेड़ पे देखा जा रहा हूँ लेकिन पेड़ है ही नहीं और देखिए सुबह के पांच बज लिए टाइम भी बड़ा तेजी में जा रहा है भाई क्रिसमस आज हो चुका है ऑलरेडी और आज रात के 12 बजे से पहले हमें क्रिसमस ट्री ढूंढना पड़ेगा वरना सेंटा क्लॉस हमारे घर नहीं आएंगे और गिफ्ट नहीं देके जाएंगे भाई साहब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसा नहीं है यार मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ हम लोग किसी भी हालत में अरे बाप रे हाँ तो मैं कह रहा था हम लोग किसी भी हालत में क्रिसमस ट्री ढूंढ के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए देखिए गाइस मैं तो लॉस सेंटोस के मेन रोड पर आने वाला हूँ और अभी तक तो क्रिसमस ट्री का कुछ अतः पता नहीं है ऊपर से दिन भी निकल लिया भाई और लगता है ठंड भी चली जाएंगी ऐसे करते करते तो नहीं 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 भाई सब अरे 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 कार कुछ ज्यादा स्लिपरी हो रही है बर्फ की वजह से अभी मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ अभी चलो थोड़ा बेटर फील हो रहा है धूप निकल आई है और गायस यहाँ पे दिन भी हो गया हैट ना यहाँ पर कार में रख दिया है जिससे कि कोई यहाँ पे चोरी वोरी ना कर ले ओके अरे 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 गाइज यहाँ पे क्रिसमस ट्री तो है बट मेरा वाला क्रिसमस ट्री नहीं है मेरा वाला कुछ ज़्यादा स्पेशल है, है मुझे वही चाहिए भाई हेलो कोई है किसी ने अगर मेरा कोई uh, मेरा नया यूनिक सा क्रिसमस ट्री देखा हो तो प्लीज मेरे को बता दो मुझे यहाँ पर सेंटा क्लॉज के साथ क्रिसमस मनाना है भाई मुझे एक मिनट वट मुझे याद आया भाई मैंने अपना हैड भी तो रखा था कार में जाके देख लेता हूँ हैड तो ठीक ठाक है ना है क्यों क्या अरे मैंने लिटरली मैं गाइस यहीं पर हैड रखा था सेंटा क्लॉज वाला वो भी चोरी हो गया ये सब क्या हो रहा है अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है ना तो भाई क्रिसमस ट्री बचा ऊपर से मेरी कार में कोई टक्कर मार के भी गया बड़ी जोर से ओ भाई साहब ये पक्का गाइस किसी की किसी की सोची समझी चाल है कोई चाहता है कि मेरा क्रिसमस ये वाला क्रिसमस सबसे बुरा चाल है जबकि इस बार मैंने सब कुछ परफेक्टली प्लान करके रखा था ओ नो अब मैं सिंचन पिंचन को क्या बोलूंगा यार वो तो सुबह उठेंगे ये सोचकर कि के कुछ सेंटा क्लॉस उनके लिए गिफ्ट दे गए होंगे भाई साहब उन्होंने क्या क्या विश करके रखा होगा नहीं 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 हम हार नहीं मानेंगे दोस्तों अभी भी पूरा का पूरा हमारे पास दस बारह घंटे हैं भाई रात के बारह बजे से पहले हमें क्रिसमस ट्री ढूंढना पड़ेगा और अपने घर पर लगाना पड़ेगा जैसे कि सेंटा क्लॉज दोबारा आए और हमें गिफ्ट देकर जाए और हमारे साथ डिनर भी ओके भाई साहब बच गया ओके गाइस मौसम बहुत ख़राब लग रहा है मुझे मुझे लग रहा है हम ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे और गाइस मेरे को तो लग रहा है ऐसे मौसम में कोई शॉप भी नहीं खोलेगा इसलिए हम नया क्रिसमस ट्री खरीद भी नहीं सकते अरे बाप रे ये तो गड़बड़ पे गड़बड़ होती जा रही है गाइस ये किसका घर है भाई ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है कहीं ऐसा तो नहीं है यहीं पर मुझे कोई किस्मत ट्री मिल जाए जाकर देखता हूँ अरे, अरे अरे ओके यहाँ पर तो मैं आ गया हूँ नहीं गाइस आज क्या हो रहा है भाई साहब कोई भी नॉर्मल क्रिसमस ट्री भी नहीं है देखिए मैं तो सोच रहा हूँ कोई नॉर्मल क्रिसमस ट्री भी मिल जाए तो मेरे घर का काम हो जाएगा लेकिन देखिए यहाँ पर भी कोई क्रिसमस ट्री नहीं है और साथ साथ में वो सेंटा क्लॉस वाला हैड भी नहीं है पता नहीं किसने मेरा सेंटा क्लॉज वाला हैट चुरा लिया <laughs> और क्रिसमस ट्री भी चुरा लिया अब हम यहाँ पर क्रिसमस कैसे मनाएंगे भाई अब मुझे क्रिसमस कौन विश करेगा गायज अगर आप मुझे मैरी क्रिसमस विश करना चाहते हैं तो कॉमेंट में मैरी क्रिसमस जरूर लिखना प्लीज मेरे लिए मैं भी आप सभी को मैरी बोलता हूं ऊपर वाला करे आपके साथ ऐसा ना हो आपका क्रिसमस ट्री चोरी ना हो और सेंटा क्लोज आपको तो खैर मुझे सुबह सुबह कहाँ चला गया कैसा तो नहीं है कि मैं उनके गिफ्ट लेके भाग गया वैसे तो चौप बता देगा कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है रात को भैया हमारी गिफ्ट भी नहीं है दोस्तों मुझे तो लग रहा है फ्रंक्लिन भैया हमारी गिफ्ट लेके भाग गए सेंटा क्लॉज के लिए हमने कितनी सारी विशेष मांगी थी चल जाता हूं आला मज़ा अला मजा आला मजा आला, आला पापा अरे मेरे बच्चे और सेंटा क्लोज तो बहुत खुश हो गए थे उन्होंने मैंने खुद सुना था वो कह रहे थे उनको सबसे बढ़िया जो क्रिसमस ट्री हमारा वाले लगा अल बिल्कुल पापा और एक इच्चो देखो इसको इनके पास ही तो नहीं है अरे, इसका क्या मतलब ऊपर से हमारा पेड़ चोरी हो गया और ये बच्चा कितना खुश हो रहा है अल तुम लोग तो अपने ट्री का भी ध्यान नहीं लग सकते सेंटा क्लॉज के फैन हो तुम लोग हथो आ तुम्हारे बच की नहीं है क्लिच मच बनाना

गया मतलब उनको भी पता चली गया कि असल में रात में हमारे घर पर क्या हुआ है माय oh गॉड मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या मुँह लेके अंदर घर में घुसू और उनको बताऊं कि हुआ क्या है भाई, कल वहाँ नहीं कहाँ चला गया अरे आ गया मैं यार मैंने भाई पूरी रात पूरी रात लिटरल में छाना बीना है तुम क्रिसमस ट्री की बात कर रहे हो मुझे नॉर्मल वाला मतलब वो भी चोरी हो गया क्या भैया ये सब आपकी गलती है मुझे नहीं पता मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर सेंटा क्लॉस का गिफ्ट चाहिए वैसे हमारे पास तो क्रिसमस ट्री नहीं है इसलिए सेंटा क्लॉस हमारे पास नहीं आए बट

मेरे को तो लगता है हमारा क्रिसमस ट्री ना कुछ ज्यादा स्पेशल था इसलिए चोर ने जान पूछ कर चुराया भाई जरूर क्लॉस ने ना वो ट्री जिसके पास होगा होगा उसको सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया भैया जल्दी जल्दी चलिए नहीं तो हमारा क्रिसमस खराब हो जाएगा चिंता मत करो तुम लोग हम अपना क्रिसमस सबसे बेस्ट बना के रहेंगे चलो भाई जल्दी चलते हैं भाई साहब ठंड भी खूब पड़ रही है अरे अरे बल्ले बल्ले मजा आ गया और लोगों के पास तो एक क्रिसमस ट्री नहीं है मेरे पास तो तीन तीन है अरे ये तो बढ़िया है जी बात है यार अभी तक मेरे को सच में एक भी क्रिसमस ट्री नहीं दिख रहा था और अब तीन तीन दिख गए बट मेरे को इनमें से कोई भी नहीं चाहिए तो कॉमन टाइप के भाई मेरा स्पेशल वाला क्रिसमस ट्री तो कुछ ज्यादा स्पेशल है अब ऐसे क्रिसमस ट्री का क्या फ़ायदा है और जिसका तू ख्याल भी नहीं रखता पूरे शहर को पता चल गया फ्रैकलैंड के सेंटा क्लॉस ये छोटे से छोटे गरीब से गरीब अमीर से अमीर आदमी के घर पर आए ऐसे गिफ्ट देने लेकिन तेरे घर पर नहीं आए ओ ज्यादा हंस मत समझा हमारा क्रिसमस ट्री चोरी हो गया है एक बार क्रिसमस ट्री मिलने थे सेंटा क्लॉस तो क्या अपनी पूरी फैमिली को लेकर आएंगे वो अरे चल 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 तेरे बस की कुछ भी नहीं है समझा अरे मेरे पास तो तीन तीन किस्म आ रहे हैं क्यों मार रहे हैं मेरे को निकल यहाँ से एक तो वैसे मूड खराब है

ये क्या अरे सिंचन पिंचन तुमको आवाज, भाई भाई आवाज, तो आवाज आ रही है स्टॉक मेंशन से वाह भाई कल वे आवाज तो क्या भाई बम को ही सबकी आवाज आ रही है पक्का गाइस अब की तो पार्टी बेस गई होगी भाई क्रिसमस की आप सभी तो, तो जानते हैं कितने अमीर लोग हैं ऊपर से भाई साहब पूरा स्टॉक मेंशन सजा रखा है अरे भाई सुबह हो गई अब तो बंद कर दो अरे क्यों बंद कर दें क्लॉस ने मेरे साथ सेल्फी ली बिल्कुल सही कहा मजा आ गया क्या सेंटा क्लोस ने इन सब के साथ सेल्फी कर रहे हैं और गाइस लोगों के पास लिटरली में एक क्रिसमस ट्री खरीदने के पैसे नहीं होते ठीक से और ये लोग तो भाई घर में ऐसा लग रहा है क्रिसमस ट्री की खेती बाड़ी करके बैठो अब, 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 अब क्या कर रहा है केक के ऊपर के चल रहा है अभी खाया भी नहीं हमने ओ भाई साहब अबे तुम सबने सेंटा क्लॉस के साथ मस्ती की मजे किए और ये क्या है असली है भाई असली देख रहा है कितना बड़ा क्रिसमस ट्री है ओ भाई सब

क्रिसमस पर, पर पहली बार ऐसा हुआ सेंटा क्लोज हमारे घर पर नहीं आया क्या क्या अरे ये क्या सुनने मिल रहा है मेरे को ये तो और भी अच्छी बात है इसका मतलब सेंटा क्लोज सिर्फ हमें पसंद करते हैं ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में क्लॉस सबके घर घर गए, लेकिन मेरे क्या? क्या? तो? पर चुरा लिया अरे तो तू घबरा क्यों रहा है भाई तू नया पेड़ खरीद ले नहीं, नहीं मुझे मेरा वाला स्पेशल पेड़ ही चाहिए अरे फ्रैंकलिन इतना टाइम नहीं है भाई क्रिसमस देख रात को ही निकल जाएगा 24, मेरा आयरन मैन का सूट पहनाओ अभी मैं फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर तेरा जो भी पेड़ होगा ना उससे मिलता जुलता हम बढ़िया वाला पेड़ खरीदेंगे ऐसा चल तो ठीक है बट अच्छा वाला ही पेड़ लूंगा मैं देख लियो हाँ बिल्कुल तू चिंता मत कर एक बार सेंटा क्लॉस तेरा गिफ्ट विफ्ट ले दे, दे तेरे को घर पे उसके बाद आराम से ढूंढते रहेंगे चोर को इतनी जल्दी कहाँ आ रही है बात तो तूने सही कही वैसे हम जा करें हम जाएंगे शहर के सबसे बेस्ट शॉप पर वैसे क्रिसमस तो भाई आज है मतलब रात को सबने मना भी लिया फिर से मनाएंगे मुझे लग नहीं रहा है शॉप पर कोई पेड़ होगा अरे यहाँ मैं अभी तो यही बोल रहा था मैं खुद इस शॉप पर आ चुका हूँ ऑलरेडी कोई भी पेड़ नहीं था यहाँ पर पेड़ छोड़ इंसान तक नहीं है सब क्रिसमस बनाने अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहे हैं हाँ यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई मैं तो सोच रहा था कोई स्पेशल ट्री खरीदेंगे यहाँ तो नॉर्मल टाइप के ट्री भी नहीं बचे ओ हेलो भाई कोई है हमें क्रिसमस ट्री चाहिए क्रिसमस ट्री अरे तो भैया इतनी लेट कहा बात तो सही कही यार क्रिसमस के लिए क्रिसमस वाले दिन थोड़ी ना ट्री खरीदते हैं उससे एक दिन पहले खरीदना होता है रात को अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गई फ्रेंगलिन तेरी किस्मत तो बड़ी खराब है टोनी तो इतना ही नहीं भाई इवन सेंटा क्लॉज की जो हैड थी ना वो भी चोरी हो गई और हैड भी चोरी हो गई अब ये सब कैसे हो सकता है अब तो बड़ी गड़बड़ लग रही है फ्रैंकलिन मेरी बात सुन अबे तू मेरे घर क्यों ले आया मुझे सुन तो ये बता वो ट्री कहाँ पर था जो तेरा चोरी हुआ था जिस टाइम वो ठीक मेरे रूम के अंदर रखा था तो तेरे रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है हाँ लगा तो है बट कुछ खास यूज नहीं आता है मेरे घर में कौन सी चोरियाँ होती हैं अबे तो वो तो गई चोरी इसी का यूज करते हैं पता करते हैं कि असल में लास्ट टाइम जब क्रिसमस वाला ट्री यहाँ रखा था तो कौन था रूम में जो उस ट्री को लेकर गया वहाँ तो तूने टोरी सही कही मैं तो भाई भूल ही गया था उसके बारे में चलो गायज अब जरा टी पर फुटेज देख ली जाए कि असल में कौन है जिसने ट्री को चुराया है आ, अब ये तो ब्लैक फ्रेंकलिन है ओके वो भी समझाओ तो भी इतना खुश हो रहा था और इसको पता भी था कि मेरे घर से ट्री चोरी हो गया है उसके पास तीन तीन ट्री थे बट ये वाला स्पेशल ट्री तो नहीं था अरे ये क्या इधर तो सीसीटीवी लगा है

फ्रैंकलिन सुन तो अरे भाई सुन ले फ्रैंकलिन गाइस ये फ्रैंकलिन गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे आज वैसे ही त्यौहार है मेरी बात सुन फ्रैंकलिन मेरी बात सुन तू थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच अगर सच में ब्लैक फ्रैंकलिन ने तेरा ट्री चुराया होता तो वो वो बाद में ट्री क्यों नहीं दिखाया तुझे अरे तो चोरी की असली तो नहीं दिखा रहा था अरे समझना सोच तेरा ट्री उसके पास होता तो उसको और मजा आता ना तुझे जलाने में

और अब सेंटा क्लॉस आएंगे भी नहीं पुराने ट्री यूज़ करोगे तो लेकिन अब हम क्या करेंगे टोनी बेचारा फ्रेंकलिन तो उसकी फैमिली तो बर्बाद हो गई बर्बाद नहीं मेरी बात सुनो डॉक्टर सिंह जल्दी से सेंटा क्लॉस को ये वाले मैसेज पहुंचाओ कि असल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे और उनके बड़े फैन फ्रैंकलिन के घर से सेंटा क्लॉस का ट्री जो कि क्रिसमस ट्री है वो चोरी हुआ है वो भी क्रिसमस ईव की रात को जब फ्रैंकलिन लिटरली में भाई दुनिया चोरी होती है उस समय उनका इंतज़ार कर रहा था कि वो आएंगे डिनर करें और वो बेचारे का ट्री चोरी हो गया ठीक है ठीक है लेकिन उसके लिए बच चलोग आपको भी मदद नहीं होगी गाइस जरा ज्यादा कमेंट में ना ये क्रिसमस वाला ट्री और साथ-साथ में सेंटा क्लॉथ का इमोजी स्पैम कीजिए ओवर भाई करते जाओ स्पैम जब तक सेंटा क्लॉथ तक हमारी विशेषणा पहुंच जाए सेंटा क्लॉथ को आज आना ही पड़ेगा भाई फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली के लिए गिफ्ट लाना ही पड़ेंगे ज्यादा ज्यादा

और देखा कि तेरे घर पे इतना खूबसूरत पेड़ है फिर मैंने देखा वहाँ पर कैमरा वैमरा है अरे मेरी बात तो सुन ले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मुझे पता है मेरा पेड़ दुनिया का सबसे स्पेशल क्रिसमस ट्री था इसलिए तूने चोरी किया मेरी बात सुन फ्रेंगे अभी तक मैं मजाक में ले रहा था पर सच्ची में मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया की होती तो भाई मैं यहाँ पर ना अमीर बन जाता क्योंकि वो पेड़ सच में स्पेशल था ले निकल यहाँ से हट यहाँ से अरे मैं तेरे को देख लूंगा ब्लैक के बच्चे मैं के साथ आऊंगा अरे चलने से बेवकूफ कोई सबूत है तेरे पास के पेड़ मैंने चोरी किया है सीसीटीवी है ना हालांकि उसमें तो चुराता तो दिखाया नहीं गया बट लास्ट तो मेरे रूम के पास तो ही था ना अबे चलने का नहीं यहाँ से बेवकूफ कहीं का पूरा मूड खराब कर रहा है मेरा क्रिसमस का चलो 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 जल्दी करो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ पता चला अरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ नो 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 नो, नो। यहाँ पर देखिए गाइज़ आज 25 तारीख है और रात होने जा रही है 12 बजे से पहले अगर फ्रैंकलिन घर पे हमने एकदम फ्रैंकलिन वाला क्रिसमस ट्री नहीं लगाया तो सेंटा क्लॉस नहीं आएंगे और सेंटा क्लॉस तो वैसे भी नहीं आ रहे हैं तो गई मैंने एक काम करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर काम करो मुझे ये बता सकते हो कि फ्रेंकलिन कहाँ पर है नहीं मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है अरे बापरे तो बड़ी गड़बड़ हो गई मेरे हिसाब से तो सेंटा क्लॉस इस तरह से नहीं आएंगे तुझे खुद सेंटा क्लॉस के पास जाना होगा क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल अभी भी सेंटा क्लॉस हमारी दुनिया में ही है क्योंकि आज क्रिसमस है और सबको गिफ्ट दे दे रहे हैं उनकी लास्ट लोकेशन अम, मेरे को एक वेयर हाउस के पास दिख रही है जो कि पुराने एयरपोर्ट के पास है अच्छा वहां पर तो एक विलेज है मुझे लग रहा है गाइस सांता क्लॉस वहां विलेज वाले बच्चों को ना गिफ्ट विफ्ट बांटते डोल रहे होंगे ठीक है तो तुम लोग एक काम करो फ्रेंक घर को अच्छी तरह से सजाओ मैं सेंटा क्लोज को लेकर आता हूँ ठीक है बिल्कुल जल्दी right, अब तो फ्रैंकलिन को सरप्राइज देना ही पड़ेगा भाई कुछ भी हो जाए मैं सेंटा क्लॉज के साथ फ्रैंकलिन का डिनर करवा के रहूँगा बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दिलवा के रहूँगा चलिए अब जल्दी से उस पुराने वेयर हाउस पे चलते हैं अरे पुराने वेयर हाउस नहीं पुराने रिपोर्ट पुरानी वेयर हाउस के पास है है वो उधर लेफ्ट साइड है ही गए भाई सो हमारे पास भाई सब चादा नहीं बस पाँच या साढ़े पाँच घंटे ही बचे हैं भाई ओके यहाँ पर देखिए धुआं निकल रहा है भाई मुझे लगता है सेंटा क्लॉस यहीं से गए होंगे कहीं पर यहाँ तो आसपास कोई गन्नी है थोड़ा दूर है आई थिंक मैं क्या करता हूँ इस धुएं में आज से कहता हूँ अरे बापरे ये धुआं नहीं है गाइस ये तो एक पोर्टल है ब्लैक फ्लोर ये और ये क्या और साहब गाइज मैं तो सेंटा क्लॉस के भाई सब उनकी सवारी के पास आ गया भाई यहाँ पर डियर्स भी हैं और उनके गिफ्ट्स भी इतने सारे क्या बात है सेंटा क्लॉस तो बहुत ही बिजी है बट सेंटा क्लॉस है कहाँ पर ए, प्लीज डियर्स है कहा बात है भैया अरे ये, ये ये, ये, लोग बोलते भी हैं गाइज अरे गाइज मैं ये जानना चाह रहा हूँ सेंटा क्लॉस आसपास है क्या क्या पता आसपास किसी को गिफ्ट दे रहे हो अरे तो भैया इधर आके बात करो ना अदर का ढूंढ रहे हो अच्छा अच्छा चलो 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 गाइज उन्हीं से जाके पूछते हैं भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये डियर्स बात कर सकते हैं वो भी इंसानी भाषा में बिल्कुल हमसे जानवर से लेकर इंसान सब बात कर सकते हैं जानना क्या चाहते हो ये बताओ अरे सेंटा क्लॉस जी ने पूरी दुनिया के सारे घरों में गिफ्ट पहुँचा दिए बट यार वो एक इंसान के घर में नहीं गए सिंचन बिन्चन फ्रैंकलिन के घर में ये तो कई इंसान हुए एक इंसान थोड़ी ना हुआ अरे मेरा मतलब हाँ फ्रेंकलिन घर में आप बता सकते हो कि कहाँ मिलेंगे वो असल में जंगल में एक रेड हल्क नाम का इंसान है वो उसको गिफ्ट देने गए हैं रेड हल्क और वो इंसान थोड़ी है गाइस वो तो पूरा मॉन्स्टर है बेचारे सेंटा क्लॉस को भी ठग लेगा वो तो मुझे जल्दी सेंटा क्लॉस को रोकना पड़ेगा पक्का उसकी कोई साजिश है हा हा हा। सेंटा क्लॉस। अब तक की मैंने बच्चे चुराने वाली चोरी की आज तुझे ही चुरा लूंगा हो 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 हो। बच्चे तुम्हारी क्या विष है जल्दी बताओ आराम मुझे तुझे ही चुराने की है। ये पेड़ इसीलिए लगाया था। जिससे कि तू मेरे पास आ जाए। हो हो हो, तुम कैसी बात करता है बच्चा? बच्चा मत बोल मुझे। अब भी बता दो को सेंटा आप थोड़ा सा हमारे पूरे क्रिसमस को खराब करना चाहता है और तू कहां से आ गया? हो हो ये क्या चल रहा है अरे माफ करना सेंटा क्लॉजी आप प्लीज हर किसी की विश पूरी मत किया कीजिए वो जो रेड था वो आप ही को किडनैप करने की विश कर रहा था खैर आपसे प्लीज मैं इतना जानना चाहता हूँ ये फ्रैंकलिन के साथ क्यों हुआ उसका पेड़ किसने चोरी किया आप प्लीज बता सकते हैं अरे हो 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 हो, हो वो बच्चा जो बहुत ज्यादा रो रहा था गिफ्ट मांगने के लिए हमने उसका पेड़ उसी के पड़ोसी के घर पर देखा था हो 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 हो, हो। अगर आपने देखा था तो आपने फ्रेंड को बताया क्यों नहीं हम थोड़ा मजा लेना चाहते थे हो, 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 हो देखना चाहते थे वो बच्चा क्या कर सकता था उसके लिए अच्छा

सेंटा क्लॉस को उसकी विश कर करनी रह गई है बिल्कुल सही कहा हाँ फ्रेंकी भैया तो पागल हो जाएंगे इतनी बढ़िया सजावट कर दी है हमने हो रहा है भैया आवाज मजे आ जाएंगे लेकिन फ्रैंकलिन कहाँ पर है अभी तक मेरे को नहीं पता वॉइस ऑफ यू वाला पेड़ भी कितना स्पेशल लग रहा है खैर यहाँ पर तुम एक काम करो अवेंजर्स जितने भी काम अधूरे रह गए उनको पूरे कर दो हल तो बस बर्गर की सजावट करने वाला है और बाकी डॉक्टर्स ने को जल्दी से बताओ फ्रेंकलिन है कहाँ पर लास्ट टाइम मैंने उसकी लोकेशन चेक की थी तो वो एक फल की दुकान के पास खड़ा था

मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम जैसे लोग ही होते हैं फ्रैंकलिन चल मेरे साथ जल्दी से नहीं चब तो ब्लैक मेरा का पेड़ नहीं दे देगा मैं यहां से हिलूंगा फ्रैंकलिन चल तो भाई मेरे लिए मेरे लिए चलना नहीं टोनी छोड़ मेरे को मैं नहीं जाऊंगा अरे बस बस एक मिनट चुप हो जा तू एक मिनट चुप हो जाए नहीं कोई फायदा नहीं है मैं इससे बढ़िया मर ही जाऊंगा और ये घर पे क्यों सजावटें कर रही है तुमने क्या फायदा सेंटर क्लॉज तो वैसे भी नहीं आने वाले रुक तो भाई रुक जा थोड़ा देख तो ले एक बार ये क्या अरे टोनी ये पेड़ कहाँ से लाया तो <laughs> बहुत लंबी कहानी है और इससे बढ़िया कहानी है कि हुई है। वो यहाँ के डिनर भी करेंगे और बढ़िया बढ़िया गिफ्टे और सबसे बढ़िया बात सेंटा क्लॉस तेरी वो हैट भी लाने वाला हो, 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 हो। है तो इस साल का आखिरी कर जो फ्रैंकलिन था उस पर हम पहुंच चुके हैं अरे हो, हो कैसे हो बच्चा लो अरे अरे सेंटा क्लॉज जी क्या बात है मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था पर आप जब तो चले गए थे हो 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 हमको पता था फ्रैंकलिन तू कर लेगा तू इस पेड़ को ढूंढ निकालेगा हो 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 हम तुम्हारी सारी विशेष पूरी करेगा और हाँ हमारे पास तुम्हारा कुछ है हो, हो 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 क्या मैं समझा नहीं अरे वो हैट असल में वो हैट हमने ही तुम्हारा लिया था हो 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 क्या एक मिनट मेरी कार में से आपने मेरा हेड क्यों लिया था हो 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 हो। मजे करने के लिए हमें पता था हम तुमसे जरूर मिलेगा और इस पेटी में तुम्हारा गिफ्ट है बाकी दोस्तों आप सभी को मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस हो हो हो। मैं आपका गिफ्ट लेकर आता हूं बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो देख लीजिए बहुत मजा आएगा वैसे सेंटा क्लॉज हमें गिफ्ट दे रहे हैं